we say, Shalom, baby, Shalom. सुनो प्रेम की पुकार, द्रौपदी बेचारी बोली, आओ गिरधारी, मोए आश है तिहारी, और जाऊं किस द्वार, सुने तेर नहीं कीनी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो, नाना भांति नचायो रे भगतन ने मुकु नाना भांति। सरकार गाड़ी लेकर पहुंचे और द्वार पर छोड़कर धन्यवाद करते हुए विदाई मांगी कि अब मुझे अपने कार्य को जाना है, आपका काम हो गया, आप जाइए। अब नरसी जी जब आए तो पुरोहित जी ने पहचान लिया और फटाफट गए बेटी के ससुर के पास। अरे आपके समधी साहब आ गए और जैसे ही बताया कि गाड़ी में लाए क्या क्या है, वो खींच गए। अब तो हमारी बड़ी हसाई होगी, गालियां देने लगे, कोसने लगे, बेटी सुन गई है। लेकिन बेटी को पिता से मिलने की उत्सुकता जो थी, दौड़ी दौड़ी गई, थाली में रोटी ली, चावल लिए, गुड़ लिया और जाकर पिता का स्वागत करने गई है। ननद और सास देख रहे हैं, पिता के माथे पर तिलक किया, हृदय को कठोर करके कहने लगे, पिताजी मैंने आपको कहा था ना कि आप नहीं ही आते तो अच्छे थे। कितना मुश्किल होगा अपने पिता को ये कहना, और ऊपर से पहले तो मेरी ननद सास वैसे ही ताने देती थी कि तेरा बाप तो मुंडन करा के उन बाबाओं के साथ है, ऊपर से तुम सूरदास की टोली लेकर आए। पिताजी कहने लगे, बेटी की चिंता ना कर, हाथ में
थोड़े से गुड़ और चावल दिए। बोले इससे क्या होगा, मेरे साथ इतने साधु पधारे हैं, सबके रहने की और भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन दुख तो तब हुआ जब व्यवस्था की बात आई तो सास मुख पे कहने लगी, अब इस पंगले के लिए रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी। बोले वहां ले जा अपने पास। धन धान्य से संपन्न होने के बाद भी बेटी को दुख तो हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। गांव में टूटी फूटी झोपड़ी है और जब नरसिंह जी को दिखाई गई तो नरसिंह जी क्रोधित नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, मुस्कुराने लगे कि सरकार बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। खुद ही झाड़ू बुहारी करने लगे और संतों को आसन दिया और कहने लगे कि अपनी सास को कहो कि स्नान करना है, थोड़ा जल भिजवा दे। तो गर्मी के दिन थे, उन्होंने अवसर पाते ही मौका पाते ही अपना रंग दिखाना शुरू किया। गरम गरम खोलता हुआ पानी उन साधुओं के लिए ले गए। नरसिंह जी फिर भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बार को कहा कि हम तो स्नान कर लेंगे लेकिन साधुओं को बोले तुम्हारी भक्ति तो इतनी प्रबल है, राग मल्हार गा लो, वर्षा कर लो, तुम्हारे कहने से सावन सेठ क्या नहीं करता। उन्होंने आव देखा न पाओ अपने संतों की ओर देखा और राग मल्हार शुरू किया, वर्षा होने लगी। सभी संतों ने स्नान किया, वर्षा इतनी हुई कि उस गांव में कई घर डूब गए। अब सब प्रार्थना करने लगे सरकार इसे शांत कराइए। उन्होंने राग मल्हार को बंद किया, वर्षा अब खाने की बारी आई, भोजन की बारी आई। तो साथ ही उनके सब रिश्तेदार भी बैठे हैं। इधर नरसिंह जी भी आ गए अपनी मंडली को लेकर। नरसिंह जी के आगे तो बासी खिचड़ी परोसी गई, बाकियों को अच्छा पकवान दिया जाने लगा। लेकिन जैसे ही नरसिंह जी के आगे बासी खिचड़ी आई वो ताजी हो गई और पास में खीर के कटोरे भर भर के आने लगे। अब जो बाकी रिश्तेदार थे वो कहने लगे रंगत राय जी से कि भैया ये आपने बड़ा पक्षपात किया है, उनको तो आपने खीर दी है हमें तो नहीं दी। बोले मैंने तो खीर बनाई ही नहीं, मुझे नहीं पता कौन परोस के चला गया। लेकिन वो फिर भी नाराज हो गए, हमें पता है आप जानबूझकर कह रहे हैं, आपने हमारा अपमान किया। अब बेटी के ससुर अपने रिश्तेदारों के पैरों में पड़ पड़ के मना रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, नरसिंह जी ने देखा उनको दया आ गई और अपने ही सरकार से बोला संदारी रुके भी खीर का प्रसाद मिल जाए तो क्या बात है। खीर का प्रसाद पाकर वो अपनी कुटिया में गए, भजन करने लगे। बेटी आई तो बोले इधर आओ, अपनी सास को बोलो कि पूरा चिट्ठा लिख दे उन्हें क्या क्या चाहिए। बोले पिताजी आप कहाँ से लाओगे, क्यों और हंसी उड़वा रहे हो। बोले चिंता ना कर, तूने कही कि चिट्ठा लिख के दे, मेरा सावन सेठ आता ही होगा। वो चिट्ठी लिखवाने गई तो उनको भी फिर मौका मिला। उन्होंने कहा बड़ा सेठ बना फिर रहा है ना ये, इतना बड़ा पत्र लिख दिया, पड़ोसियों के गांव के बच्चों के भी पांच पांच जोड़े कपड़े के हीरे जवाहरात रत्न सब कुछ लिख दिया, अन्न धन बोरे भर भर के लाओ हमारे लिए, पता नहीं कितना कुछ लिख दिया उसने। ले जाकर बेटी ने जब नरसिंह जी को दिया बोले एक बार फिर जाओ अपनी सास के पास, बोलो अभी भी कुछ रहता है तो लिख दे, बाद में ये ना कहे कि नरसिंह जी ने कोई कमी छोड़ दी। अभी दोबारा चिट्ठी गई तो सास थोड़ी नाराज हो गई, क्रोधित हो गई। बोले बताती हूँ, उसने अंत में लिख दिया कि दो बड़े बड़े पत्थर भी भेज देना। अब वो पत्र लेकर गए हैं नरसिंह जी को दिया। नरसिंह जी ने वो पत्र ऐसे ही
पकड़ा भी नहीं और ले जाकर साबल सेठ के चरणों में रख दिया। और सूरदासों की टोली बैठी है, नरसी जी बैठे हैं चिट्ठी सरकार के पास और वो लगे हैं जब बोलो तब शाम। बेटी है मेरी नहीं,
मेरा तो एक ही काम है, इतना सुंदर रूप में आपने दर्शन किए हैं, मैं आपके रूप को निहालता रहूं, आप अपना कार्य करिए और पुरताल लेकर नरसिंह जी जब Thank you.